एवरीवन, दिस इज डॉक्टर शिखा चतुर्वेदी विद ग्रे स्किन एकेडमी। सो हमारी जो बिजनेस स्ट्रेटजी, बिजनेस मास्टरी के जो क्लासेस चल रहे हैं या हम जो वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं फॉर द स्किन एंड हेयर सेटअप के अकॉर्डिंग, सो उसमें जो हमारे प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें हमने डिफाइन किया है कि कैसे आप एक स्टार्टअप के बारे में सोच सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं, किस तरीके से आप फंड को रेज कर सकते हैं, हाउ यू नीड टू लुक आउट फॉर द लोकेलिटी एंड एवरीथिंग। आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी कॉस्टिंग्स फॉर योर इक्विपमेंट या इंटरनल चीज़ों में जो आपकी यूटिलिटीज़ हैं या चीज़ें हैं उनमें कितना खर्चा अप्रॉक्सीमेटली आपको पड़ेगा, उसको किस तरीके से आपको बजटिफाई करना है। ओके, आइए लेट्स स्टार्ट। बेसिकली अगर हम बात करते हैं बजटिंग एंड ऑल में, सी अगर आप कोई प्लेस रेंट आउट कर रहे हो, कुछ भी है, फर्स्ट थिंग आप उसके इंटीरियर पर ध्यान दोगे। ऑब्वियसली यू नीड टू मेक दैट प्लेस लुक लाइक वॉट यू डिज़ायर, जो आप सोच रहे हो कि कोई आपके यहाँ एंटर करे तो उसको प्लीजिंग, कोजी एंड वेलकमिंग लगना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, इक्विपमेंट्स एंड यूटिलिटीज, सी दे आर दी ब्रेड अर्नर्स फॉर यू, वही आपका ब्रेड एंड बटर है। इंटीरियर्स आपका ब्रेड एंड बटर नहीं है। इंटीरियर्स को आप बहुत सटल रख के भी अपने इक्विपमेंट्स पे ज़्यादा स्पेंड करके गुड सर्विस प्रोवाइड करके भी आगे उसको एलैबोरेट कर सकते हो। बट अगर आपकी सर्विसेज ही टॉप नॉच नहीं है, इक्विपमेंट्स ही बहुत ज़्यादा थर्ड क्लास है या दे आर नॉट दैट सैटिस्फाइंग कि रिजल्ट्स मिले, आई एम सॉरी, द क्लाइंट विल एक बार एंटर करेगा, नेक्स्ट टाइम से नहीं। सो व्हाट यू हैव टू डू, द बेसिक फंडामेंटल गोज कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट या सप्लाईज हैं, चाहे वो हमारे सलोन के लिए हों, चाहे हमारे क्लिनिक सेटअप के लिए हों, फॉर वेयर एवर इट इज, इट हैज़ टू बी टॉप नॉच। ठीक है, क्या क्या चीज़ें उसमें बेसिकली आएंगे, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द मेजर थिंग्स। उसके अलावा भी काफ़ी माइन्यूट चीज़ें हो जाती है, जैसे कि कॉटन, गॉज पीसेस, फोसेप्स, ट्विजर्स, सीजर्स एंड लिटिल बिट मनी मोर। ठीक है, अब उसके अलावा डस्टबिन्स हो गए एंड यू नीड टू हैव क्लॉथ्स एंड यू कैन हैव लाइक हैंड टावल्स, पेपर टावल्स, यू कैन हैव बिग टावल्स एंड शीट्स एंड ये सब क्या हो गया ना, दे आर ऑल लाइक दी अदर एक्सपेंसेस। बट एक जो मोटा मोटा है मेजर खर्चा जिन चीज़ों में बेसिक होगा स्टार्ट, जो आपको दिखना चाहिए, होना चाहिए टू फॉर एक अच्छे एम्बियंस के लिए भी एंड फॉर एक पेशेंट के एक अच्छे रिलैक्सिंग सेशन के लिए, वो सब चीज़ों को आज हम थोड़ा सा वाइडली डिस्कस करेंगे। नंबर वन, इफ आई टॉक अबाउट द चेयर सिस्टम, सी अगर आप सलोन में हो, यू नीड टू हैव एक अपस्ट्रेट लाइक आपको सिटिंग चेयर्स रिक्वायर्ड होगा, जिसमें आप क्लाइंट के हेयर को कट कर सकें, क्लाइंट को बिठा के आप उसमें उनका हेयर को स्टाइल कर सकें, क्लाइंट उसमें बैठ के आप हेयर को, सो बेसिकली यू नीड दैट चेयर सिस्टम। उसके अलावा वॉशिंग के लिए आपको एक चेयर चाहिए होगा हेयर वॉश के लिए, देन यू नीड अ प्रॉपर बेड जिसपे आप, अगर यू वॉन्ट टू गो फॉर द अदर फैसिलिटीज या सर्विसेज इन योर क्लिनिक और इन योर सलोन, सो दैट विल। क्लिनिक की अगर हम बात करें, क्लिनिक में दो तीन चीज़ों का मेजर रिक्वायरमेंट है। ऑब्वियसली एक कंसल्टिंग टेबल एंड चेयर्स, वो तो इक्विपमेंट चाहिए ही है टू सेट एंड टॉक एंड कम्युनिकेट विद द क्लाइंट। रिसेप्शन एरिया पे यू नीड अ प्रॉपर सिटिंग वाला सिस्टम आपको रिक्वायर्ड है, सेम गोज फॉर द सलोन एरिया ऑल्सो। बट अगर हम बात करें इंटरनल मतलब प्रोसीजरल रूम में, तो वहाँ पर जो क्लिनिक है, क्लिनिक में यू हैव डर्मल बेड्स होते हैं, है ना, डर्मा बेड्स करके आते हैं। डर्मा बेड्स में भी वेराइटी आती है, एक मैनुअल होता है, एक सेमी ऑटोमेटिक होता है, एक फुल्ली ऑटोमेटिक होता है। इस अकॉर्डिंग आप अपने बजट के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं एंड यू शुड डेफिनेटली हैव वन ऑफ देम। वो रखने से आपकी काफ़ी सारी चीज़ों में बहुत हेल्प होगा, चाहे वो लेज़र हेयर रिडक्शन हो, चाहे फेशियल्स हो, चाहे आपका बोटॉक्स फिलर्स हो, वट एवर, उन सब चीज़ों में इट विल कम हैंडी। ओके, मूविंग अहेड, हम बात करते हैं अगर आई एम टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली फॉर द सलोन, नॉट फॉर द क्लिनिक। सलोन में पर्टिकुलरली मेनी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स बहुत नेसेसिटी हैं, लाइक हेयर स्टाइलिंग इंस्ट्रूमेंट जिसमें स्ट्रेटनर, टोंग, कर्लर्स, एवरीथिंग कम्स अप, देन यू हैव हेयर ड्रायर्स एंड ऑल, स्टीमर जो हेयर के स्टीमिंग के लिए चाहिए होता है, फेस स्टीमिंग के लिए भी ऑब्वियसली, एट द सेम टाइम सीजर्स जो उनका इम्पॉर्टेंट एक एलिमेंट है फॉर देयर वर्कशॉप, देन दे नीड टू हैव प्रॉपर लाइक कोम्स, ब्रशेज, एवरीथिंग टू कोम आउट एंड डिटैंगल द हेयर्स एंड एवरीथिंग। देन उसके अलावा हेयर को अगर आपको उनको वॉश आउट करना है या स्पा प्रोवाइड करना है, तो उसके अकॉर्डिंग के इक्विपमेंट्स दे नीड टू हैव। ओके, मूविंग अहेड,
नाउ ट्रीटमेंट बेड्स की अगर हम बात करें, सी ट्रीटमेंट बेड्स द सेम गोज फॉर लाइक डर्मा बेड्स एंड एवरीथिंग, तो वो सब चीज़ों को उनको रखना जरूरी है. सैलॉन पीपल कैन ऑल्सो कीप अ डर्मा बेड, नॉट एन इश्यू, उसको वो मल्टीपल लेयरिंग के साथ यूज कर सकते हैं. नाउ देखो, आई हैव मैंने अभी ने क्या है ना, इन दिस रिसेंट मिनट्स आई हैव टॉक्ड अबाउट थ्री डिफरेंट थिंग्स, लाइक चेयर्स की बात की हमने, इक्विपमेंट्स की बात की हमने, डर्मा बेड्स की बात की. इन सबका कॉस्टिंग भी बहुत मायने रखता है. सी अगर मैं डर्मा बेड्स की बात करूँ, उनकी कॉस्टिंग ऑलमोस्ट शुरू हो जाती है, अगर मैं मैनुअली जाऊँ इट स्टार्ट फ्रॉम समवेयर अराउंड 25,000 to 30,000 से स्टार्ट हो जाती है, एंड इट इवेंचुअली गोज अप टिल लाइक 1 to 1.5 lakhs तक आराम से. तो अब वो टोटली आपके बजट के अकॉर्डिंग है कि आपको उसको कितना रखना है या आपको उसको कितना जस्टिफाई आप कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको सेटल आउट करना है. ठीक है, रही बात चेयर्स की, चेयर बेसिकली एक सिंपल चेयर भी आती है, लाइक जस्ट हैव व्हील्स एंड इट जस्ट रोटेट्स, एक जगह पे फिक्स है. नहीं तो इट कैन हैव ऑटोमेटिक लाइक रिमोट कंट्रोल्स, इट कैन हैव लाइक अ मसाजिंग वाला थेरेपीज इन दैट चेयर ऑल्सो. सो इट कैन ऑल्सो बी वेरी मच वेरिएबल. अब वो आपके कॉस्टिंग एंड बजटिंग के अकॉर्डिंग है. बजट शॉर्ट है तो यू कैन गो फॉर अ चेयर जो कि 1,000-1,200 तक आती हो, या यू कैन गो फॉर अ चेयर जो 11,000-10,000-12,000-11,000-15,000-25,000 तक भी आती हो. इट इज टोटली अप टू यू. ठीक है, बट ऑलमोस्ट कॉस्टिंग इस अकॉर्डिंग बैठती है. वहीं अगर मैं हेयर स्टाइलिंग टूल्स की बात करूँ, जब आपको मल्टीपल हेयर स्टाइलिंग एंड बिगर टूल्स के लिए जाना होता है, हेयर स्ट्रेटनर यूजुअली जो हम घर वगैरह में यूज करते हैं, इट कम्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 800 to 1200 के बीच में. बट अगर आपको अपनी चीज़ों को थोड़ा सा मेंटेन करना है, यू वॉन्ट टू गो फॉर दैट स्टैंडर्ड, तो जब आप कंपनीज एंड उसके अकॉर्डिंग ब्रांड्स के अकॉर्डिंग जाते हैं, इट कैन लाई समवेयर अराउंड 3,000 to 8,000 के बीच में, कहीं नहीं गया, इन इवन मेनी टाइम 15,000 ऑल्सो. सो उसके अकॉर्डिंग यू कैन डिसाइड कि आपको 1, 2, 3 कितने रखने हैं, कितने नंबर ऑफ वो आएंगे, एंड देन लिस्ट इट आउट. ओके, मूविंग अहेड, अगर वहीं पे हम बात करें रिसेप्शन डेस्क की, सी रिसेप्शन डेस्क इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जितना रिसेप्शनिस्ट या रिसेप्शन पे वर्क करने वाला एम्प्लॉय इंपॉर्टेंट है, उतना ही डेस्क भी. इट नीड्स टू बी मल्टी टैलेंटेड डेस्क, रीजन बीइंग क्योंकि वहाँ पे ही आपका सारा बिलिंग भी होगा, वहाँ पे क्लाइंट के लिए फॉलोअप्स भी जाएगा, वहाँ से क्लाइंट को चीज़ों के लिए प्रोवाइडिंग भी होगा, वहाँ पे क्लाइंट फॉर्म्स भी फिलअप करेगा, वहाँ से क्लाइंट को गाइडेंस भी मिलेगा, वहाँ से क्लाइंट अपने पेमेंट्स को करके ही और शी विल वॉक आउट ऑल्सो. सो इट हैज़ टू बी अ मल्टी काइंड ऑफ डेस्क टेबल, जिसपे आपके पास एक मॉनिटर होना कंपल्सरी है. मॉनिटर मतलब यू शुड हैव अ कंप्लीट सिस्टम जिसमें सारी एंट्री एग्जिट फॉलोअप सबको आप मेंटेन कर सकें, रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकें टू बी वेरी प्रिसाइज. देन वहाँ पे आप कूपन्स रख सकते हैं, विजिटिंग कार्ड्स रख सकते हैं, यू कैन डेकोरेट इट एज पर, आपको वहाँ पे स्टेपलर से लेके टेपिंग से लेके एंड यू टू कीप एवरी थिंग ओवर देयर. आपके प्रोडक्ट्स भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं अपने रिसेप्शन के जस्ट बैकग्राउंड पे, जिससे कि इट वुड बी ईजियर फॉर हिम और हर टू प्रोवाइड यू दैट इमीजिएटली. वहाँ पे आप अपने जो भी, अगर आप अपने तरफ से उनको कोई भी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं फ्रॉम योर ओन लाइक सेटअप से, उनके बारे में डिटेल्स के लिए आप वहाँ ब्रोशर्स रख सकते हैं. यू कैन इवन कीप वहाँ पे हैंडी रख सकते हैं, यू कैन कीप सम लाइक चॉकलेट्स, यू कैन कीप सम टेकअप स्नैक्स भी आप वहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं. एंड इवन इफ यू वॉन्ट, आप एक वाटर बॉटल कंटेनर को साइड ऑफ द रिसेप्शन के लगा सकते हैं, जिससे कि पानी पीने के लिए उनको ईजिली अवेलेबल हो. करेक्ट, मूविंग अहेड, व्हेन आई टॉक अबाउट डिस्प्ले शेल्फिंग इज द सेम जिसपे आप अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करते हो, वो आपके रिसेप्शन के बैक पे भी आ सकता है, या तो जहाँ पे क्लाइंट बैठ रहा है मतलब उसके सिटिंग एरिया के आसपास में भी आप उसको डिजाइन कर सकते हो. बट कोशिश ये करना कीप इट एज अ शेल्फ, आप उसको जमीन पे घेरोगे आपका एरिया जाएगा एंड इट विल नॉट लुक वेरी एस्थेटिक ऑल्सो. एस्थेटिक अप्रोच के लिए उसको शेल्फ लाइक कीप इट ऑन द वॉल एंड मेक इट अ लिटिल डिजाइनरफुल, उसके साथ में आप अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कीजिए. थोड़ा बहुत अगर है आपको तो उसका जो कॉस्टिंग रहता है डिस्प्ले का, इट टोटली डिपेंड्स. आपको ग्लास का शेल्फ लगाने, आपको वुड का शेल्फ लगाने, उसके अकॉर्डिंग इट कैन रेंज इन बिटवीन लाइक अप्रॉक्सीमेटली 3,500 to 12,000 के बीच में आराम से जाता है. उस अकॉर्डिंग आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो. करेक्ट, वहीं अगर हम रिसेप्शन की जो मैंने बात की थी, तो रिसेप्शन का टेबल अगर आप इस तरीके से डिजाइन करते हो, उसके ऊपर इक्विपमेंट्स वगैरह सब, टोटल कॉस्टिंग जो आपका सिर्फ रिसेप्शन एरिया के लिए जो जाता है टू डेकोरेट इट एंड मेक इट ब्यूटिफुल, कैन गो फ्रॉम लाइक 15,000 to approximately 40,000 के बीच में, डिपेंडिंग आप क्या और कितना और कैसे प्रोवाइड कर रहे हो.
ठीक है। हाँ, अगर आपके अंदर इतना कुबत है या इफ यू आर ओपनिंग समथिंग सो ग्रैंड कि आप उसको बस मोस्ट लग्जूरियस बनाना चाहते हैं, एंड इफ यू आर गोइंग फॉर समथिंग ऑन आईफोन वाले या मैक के आप उस पे कंप्यूटर एंड वो सब सीरीज आप रखने वाले हो, देन आई एम सॉरी, वो ऑटोमेटिकली इट इज गोइंग टू राइज अप। आपका बजट भी एंड आपका फाइनेंस एंड फंड्स भी बहुत राइज अप होगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको फिक्स आउट कर सकते हो, बट मिनिमम बजटिंग में करना है तो 15-20 हज़ार शुड बी गुड इनफ। ओके, मूविंग अहेड, व्हेन आई टॉक अबाउट इनिशियल सप्लाईज, सी इनिशियल सप्लाईज में ना बेसिकली क्लिनिकल सेटअप में की बात करें या फिर हम आउटर, इनिशियल सप्लाईज में बेसिक जो चीज़ें आती हैं वो है आपके क्लाइंट को जो भी चीज़ों को ज़रूरत पड़े, व्हेन यू प्रिस्क्राइब टू देम, है ना। प्रिस्क्रिप्शन का मतलब है जब आप उनको प्रिस्क्राइब करें, ये सैलून में जब एक प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद आप उनको कुछ सजेस्ट कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं तो वेरी गुड। अगर आप किसी के साथ टाई अप में, फार्मेसी के साथ या किसी और के साथ, तो वहाँ आप उनको रेफर कर दीजिए। नहीं है देन यू कैन गिव इट आउट एंड दे कैन बाय इट ऑन देयर ओन फ्रॉम आउटसाइड। बट अगर आप अपने यहाँ रख रहे हो तो इनिशियल सप्लाईज को इस तरीके से रखना है, जो भी फंडामेंटल चीज़ें हैं वो होनी चाहिए आपके पास। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें हेयर की, हेयर में अगर कोई ऑयल डालना है, कोई शैम्पू है, कोई सीरम है या कोई तरीके का कोई ट्रीटमेंट है, लोशन है, समथिंग, तो उनके आप बेसिक चीज़ों को आप रख सकते हो, एंड इन अ पीस ऑफ, दैट इज कॉल्ड एज मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी दैट यू कैन कीप अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10 pieces। जब एक बार वो जाना शुरू कर दें, व्हेन दे स्टार्ट गोइंग, देन इवेंचुअली आप उनके क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो। फिर सेम गोज फॉर द स्किन ऑल्सो, स्किन के लिए अगर आपको बेसिक में मॉइस्चराइजर वो सब चीज़ें रखनी है अपने, उसमें यू कैन इवेंचुअली कीप एंड गिव इट आउट टू द क्लाइंट। ओके, बट या मेक दैट श्योर कि प्रोडक्ट का जीएसटी अलग से आता है, सो प्रोडक्ट जीएसटी शुड बी गिवन आउट एज पर, ठीक है। मूविंग अहेड, व्हेन आई टॉक अबाउट टॉवल्स, लिनेंस एंड ऑल दोस थिंग, टॉवल लिनेंस इज समथिंग दैट कम्स हैंडी इन बोथ द प्लेसेस, लाइक क्लिनिक सेटअप हो चाहे सलॉन सेटअप हो। लिनेंस इज समथिंग कि जिस आप टेप डमर बेड पे हो, चेयर पे हो, कहीं पे भी आप फंक्शन कर रहे हो, आप उसको कवर अप करोगे ताकि वो स्टेरलाइज रहे। तो सिंगल शीट डिस्पोजेबल शीट्स आती हैं मार्केट में, इजिली अवेलेबल, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाती है, या यू कैन गो टू अ डिस्ट्रीब्यूटर कम प्राइस पर, वहाँ से आप बल्क उठा सकते हो, एंड इवेंचुअली यू कैन यूज इट इन एवरी सिंगल क्लाइंट। आप उस शीट को जब वो नया शीट बिछाते हो, यू टेक अप अ क्लाइंट, क्लाइंट को वो बहुत क्लीनलीनेस हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा लगता है, एंड द क्लाइंट रिमेन्स वेरी हैप्पी विद इट। ओके, उस चीज़ का ध्यान रखना है। नाउ ये दोनों जगह जा सकते हैं, डिपेंड कि आप कैसा वो यूज़ करना चाहते हो शीट, डिस्पोजेबल या वैसा। तो जब आप यूज़ कर रहे हो, एंड अगर आप डिस्पोजेबल नहीं यूज़ कर रहे हो, देन इट शुड बी फ्रेश फॉर एवरी क्लाइंट। ओके, एंड इट शुड बी वॉश्ड और स्टेरलाइज्ड आफ्टर एवरी यूज़, ये ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट द यूनिफॉर्म्स एंड अपैरल, सी जो भी आपके यहाँ एम्प्लॉयर्स हैं, बेसिकली यूनिफॉर्म्स आर शुड बी योर लोगो, आपका एक मैंडेट पॉइंट होना चाहिए कि उनका एक प्रॉपर लुकआउट हो, प्रॉपर लुकिंग हो, उनका एक प्रॉपर यूनिफॉर्म हो, जिससे कि अपियरेंस बहुत अच्छा है, क्योंकि सब एक जैसे दिखेंगे तो इट वुड बी ईजियर फॉर द अदर पर्सन टू जज देम, मतलब उनको पता लगेगा कि यहीं पर काम करते हैं, एंड ईजी टू आस्क देम फॉर द फेवर्स एंड द थिंग्स। ओके, यूनिफॉर्म्स एंड उनका खर्चा अप्रॉक्सीमेटली, अगर आप 3 से 4 एम्प्लॉयज़ रखते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आप कपड़ा लेकर सिलवा सकते हैं, टेलरिंग करा सकते हैं, या अगर आपको बाय करना है, आजकल तो रेडीमेड ऑप्शन मिलते हैं, यू जस्ट हैव टू गिव द मेजरमेंट, दे विल प्रोवाइड यू, इस तरीके की कंपनीज भी हैं, या यू हैव आउटलेट्स ऑल्सो। तो अप्रॉक्सीमेटली पर यूनिफॉर्म का जो खर्चा ऑलमोस्ट बैठता है वो समवेयर अराउंड आपका 1500 से 2000 के बीच में बैठता है, उस अकॉर्डिंग यू कैन फिगर आउट, ठीक है, ये आप कर सकते हो। एम्प्लॉयज भी बहुत खुश होते हैं बिकॉज आपकी तरफ से उनको एक जेस्चर मिलता है एंड दे फील इट कम्फर्टेबल। ऑलराइट, नाउ मूविंग अहेड, व्हेन आई टॉक अबाउट दी सॉफ्टवेयर या बुकिंग सिस्टम, सी आपके पास कोई भी क्लाइंट आ रहा है, उसकी कोई भी डिटेल्स हैं, आप कहीं पे भी फिलअप कर रहे हो, या आपके पास जो एम्प्लॉयज हैं उनको आपको सैलरी करना है, चीज़ें करनी है, तो उनकी अटेंडेंस भी तो आपको लॉक करनी है, कहाँ करोगे? Everything आज के टाइम पे, इट्स अ 21st century, इट्स अ मॉडर्न वर्ल्ड, एंड द टेक्नोलॉजी हैज टेकन ओवर अस, तो सॉफ्टवेयर्स आर इजिली अवेलेबल इन द मार्केट फील्ड। आप देखने जाओगे आपको हर एक वेराइटी ईजिली मिल जाएगा। हाँ, एंट्रीज करना आपकी मैनुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, वो ऑटोमेटिक नहीं हो सकते, तो वो मेंटेन करना, उनको करना, वो आपको कंपल्सरी रहेगा, ठीक है, जिससे ईजी हो जाएगा फॉलोअप्स लेना।
क्लाइंट के फॉलोअप्स लेना इजी हो जाएगा, क्लाइंट से बात करना इजी हो जाएगा, उनके पुराना रिकॉर्ड्स रखने इजी हो जाएंगे. एंड इवन देर आर मल्टीपल सॉफ्टवेयर जिसमें आप क्लाइंट जो अपने एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरीज को भी आप बैलेंस आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ या तो फिंगरप्रिंट सेंसर्स के थ्रू या फोटोग्राफ्स के थ्रू. आप उनकी अटेंडेंस मेजर कर सकते हो एवरी डे का एंड एट द एंड ऑफ द मंथ इट विल बी इजियर फॉर यू टू फिगर द थिंग्स आउट. ओके नाउ व्हेन वी मूव अहेड इसका जो खर्चा रहता है अगर मैं बात करूँ सॉरी बिफोर मूविंग कि सॉफ्टवेयर और इसमें कितना अप्रोक्सीमेटली खर्चा आएगा. देखो बीइंग ऑनेस्ट आपको कितना हाई फाई सॉफ्टवेयर चाहिए, आप मीडियम सॉफ्टवेयर से काम चला लोगे या आप खुद से बनाना चाहते हो या आप गूगल की हेल्प से उसको क्रिएट करके या फ्री बिट आप कुछ टाइम के लिए यूज करना चाहते हो, टोटली डिपेंडेबल. स्टार्टिंग में हो सकता है आप कुछ टाइम के लिए फ्री बिट यूज करना चाहो बट वंस इट कोलैप्सेस या वंस इट गोज आपका सारा डाटा भी चला जाएगा. करेक्ट. आपको अगर अपना सारा डाटा रखना है आई वुड ऑलवेज प्रेफर कि अगर जो भी एम्प्लॉय है आप इस तरीके का सॉफ्टवेयर डेवलप करो या इस तरीके का सॉफ्टवेयर बाय अप करो जिसमें कि इजी रहे आपको चीज़ों को मेंटेन करना और वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहे. करेक्ट. खर्चा उसका अप्रॉक्सीमेटली आपका 20,000 से लेके इट कैन गो टिल 1 to 2 lakhs के आसपास, डिपेंडेबल अगेन कि आपको कैसा रखना है, कौन सा रखना है उसके अकॉर्डिंग. फाइन. सो इस तरीके से आप उसको बजटिफाई कर सकते हो. मूविंग अहेड लास्ट बट नॉट द लीस्ट व्हेन आई टॉक अबाउट मार्केटिंग एंड ऑल. सी मार्केटिंग की हम जब भी बात करते हैं मार्केटिंग ऑलवेज नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ. रीजन क्योंकि आज के टाइम पे सोशल मीडिया इज अ बिगेस्ट बून. ओके यस इट हैज सम ऑफ द कॉन्स ऑल्सो बट अगर बहुत वाइजली यूज करोगे उसके बहुत बून्स हैं. आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को फिगर आउट करना है. अब हैश टैग्स हो गए, चाहे आपके पिक्चर्स हो गए, बिफोर आफ्टर रील्स हो गई, चाहे स्टोरीज हो गई, पुटअप करने वाले पोस्ट हो गए, हाउ एवर यू वॉन्ट टू. एंड मेनी टाइम्स पीपल ऑल्सो बूस्ट सम ऑफ देयर थिंग्स. आप उस तरीके से आप बिजनेस प्रोफाइल बना सकते हो, उसको बूस्ट कर सकते हो साथ में, लेकिन अपना वेबसाइट ज़रूर रखिएगा. उससे एक ऑथेंटिसिटी आती है, ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होता है एंड लोग आपको ज़्यादा अच्छे से समझते हैं एंड ज़्यादा अटैच होते हैं. करेक्ट. उस चीज़ का बेसिक ध्यान रखना. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट खर्चा, तो अगर हम बात करें खर्चे की तो देखो डिपेंडेबल है. अगर आप एक 3-tier city में हो या 2-tier city में हो वहाँ अप्रॉक्सीमेटली आपका मंथली 4,000 to 5,000 का खर्चा रहेगा इन मार्केटिंग एंड ऑल. पर मंथ की मैं बात कर रही हूँ, पोस्टिंग की बात नहीं कर रही हूँ कि पोस्ट करना है तो उसका खर्चा होगा. नो, पर मंथ की बात कर रही हूँ. उसमें अगर आपको चीज़ों को बूस्ट करना है, मार्केट आउट करना है एंड एवरीथिंग, 4,000 to 5,000 एंड उससे आप रिटर्न भी उसी तरीके का एक्सपेक्ट करोगे. आप जितना अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाओगे 5 से 10, 10 से 15 उस अकॉर्डिंग आपका रीच बढ़ता जाएगा एंड यू विल अट्रैक्ट मोर पीपल. तो नाउ यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि आपका किस अकॉर्डिंग बजट है, मैं इतना ही स्पेंड कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप उसको फिगर आउट कर सकते हैं. ठीक है. बट येस उनकी भी कुछ लिमिटेशन होती हैं, उसका ज़रूर ध्यान रखिएगा. एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैव सम लिमिटेशंस, प्लीज मेक श्योर यू नो देम. ओके मूविंग अहेड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करते हैं ओवरऑल अदर सप्लाईज की. सी इन सब में ना द वन थिंग दैट हैज बीन लेफ्ट इज द इक्विपमेंट्स. इक्विपमेंट्स में देखो अगर मैं क्लिनिक की बात करूँ स्पेसिफिकली तो वहाँ पर आप जो स्किन और हेयर का क्लिनिक खोल रहे हो तो उसमें इक्विपमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो देर आर मेनी अदर हैवी हैवी इंस्ट्रूमेंट. लेजर्स हो गए, मशीन्स हो गई, अदर डॉक्टर पेन्स हो गए, प्लाज्मा, अ लॉट ऑफ देम. इन सब का ना बहुत मेजरली डिटेल मैं इसमें नहीं बात कर रही हूँ. आई विल कम अप विद अनदर वीडियो फॉर दैट क्योंकि इट इज़ अ वेरी डिटेल्ड इन डिटेल टॉपिक. तो उसको लेकर आई एम गोइंग टू डेफिनेटली टॉक अबाउट कि लेजर का ये वाला रखना है तो इसका इतना खर्चा होगा एंड एवरीथिंग ऑफ सॉर्ट ऑफ. इवन द सलोन पीपल इफ यू वॉन्ट टू कीप सम ऑफ द मशीनरीज एज पर लाइक हाइड्रोफेशियल्स हो गए और डॉक्टर पेन हो गया और प्लाज्मा पेन हो गया एंड ऑल दोज थिंग, किस तरीके से आप बाय आउट कर सकते हो कैसे, वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल इन अवर नेक्स्ट वीडियो. होप एवरीवन इसके अलावा जो हमारा जो लास्ट एक जो सप्लाईज बनते हैं कि जो ओवरऑल टोटल सप्लाईज लाइक छोटी छोटी चीज़ें गॉस पीसेस, कॉटन टिश्यूज एंड शीट्स एंड कवर अप एंड देन वी हैव लाइक आपका कपड़ा हो गया, मतलब टू क्लीनिंग क्लोथ्स हो, वाइपर्स हो गए, ब्रूम्स हो गए, क्लीनिंग स्टफ हो गया, डस्टबिन्स हो गए, यू हैव लाइक अदर फॉर एग्जाम्पल डेकोरेटिव आइटम्स हो गए, एवरी थिंग को मिलाकर
आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि बहुत ज़्यादा एक्सीडिंग पे नहीं रखना। 30 to 45,000 इज मोर देन इनफ इन सब एक्सेस अदर चीज़ों पे खर्च करने के लिए, क्योंकि छोटा 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 करके बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं और फिर हम बहुत ज़्यादा इनमें इन्वेस्ट कर देते हैं तो फिर हम परेशान होते हैं। यू कैन इवन कीप योर बजट टिल 25,000 ऑल्सो, नॉट अ बिग इशू। ओके, देखो स्टार्ट करने के लिए वेरी ऑनेस्टली आई एम टेलिंग स्किन एंड उसके लिए अगर आपको स्टार्ट करना है ना, मैक्स टू मैक्स आपको 10,000 चाहिए। आई एम टेलिंग ओनली 10,000 आपको बहुत एक्सेसिवली फंड रेज करने की। अगर आपके पास प्लेस है, आप ऑलरेडी कुछ चीज़ें कर रहे हो, अगर आपको अपग्रेड करना है यू जस्ट नीड 10,000, क्योंकि आपको सिर्फ अपने इक्विपमेंट्स पे ही थोड़ा सा खर्चा करके उनको लाना है। हाँ, अगर आपको बिगर खर्चा करने के, आप लेजर वेजर हाई क्लास वो लेकर आ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल CO2 फ्रैक्शनल एंड ऑल दैट, देन इट इज गोइंग टू बी अ टॉक ऑफ अबाउट 8 to 10 lakh rupees। अदरवाइज उससे कम में यू कैन इवेंचुअली स्टार्ट फ्रॉम लाइक 10-20,000 से आप स्टार्ट कर सकते हो। आप केमिकल पील्स जो कि इतने में आ जाते हैं, यू कैन कीप देम, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर। जब वो अच्छा रिजल्ट देने लगे यू कैन चार्ज देम एंड धीरे धीरे इवेंचुअली यू कैन मूव अहेड। सो बेसिक फंडा वही है कि आप कितने बजट में अपने आप को फिट कर सकते हो या कितना आपका बजट है। स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल देन ग्रो बिग, दैट विल ऑलवेज हेल्प यू। बट अगर आप स्टार्ट ही एकदम वास से करना चाहते हो, फिर संभाल नहीं पा रहे हैं, सब चीजें कोलैप्स कर रही हैं, तो सारा पैसा डूब जाएगा। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई होप आज की जो हमने बात किया है अबाउट इक्विपमेंट कॉस्टिंग एंड एवरीथिंग, वो थोड़ा बहुत आपको पल्ले पड़ा होगा। एंड टू माई डियर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, माई डियर फ्रेंड्स, इफ यू वॉन्ट टू नो दैट हाउ मच कॉस्टिंग इज ऑल ऑफ दैट, वॉट आई टॉक्ड अबाउट वॉज इन इंडियन रुपीज, यू कैन कन्वर्ट दैम इन द US dollar एंड दैट वुड कम अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम $200 टू आई थिंक $20,000 इन बिटवीन। नाउ इफ यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ अ बजट यू कैन इवेंचुअली मूव अहेड, बट प्लीज थिंक एंड इन्वेस्ट वाइजली। That will always be my major advice to anyone of the out there. So हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, पैसा अगर है तो wisely उसको invest करें and उससे return कितना आएगा उसको ज़रूर सोच के future plan out करके तभी आगे बढ़ें। Correct? Hope everyone you enjoyed today's video and अगर आपने हमारे पुराने videos नहीं देखे हैं go watch them out, link by link आपको ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, you will be attached more. And stay connected from us. हम और भी सारी मल्टीपल सीरीज लेकर आने वाले हैं इसी सेम टॉपिक पर, बिजनेस स्ट्रैटेजी फॉर स्किन एंड हेयर सेटअप के लिए इसमें मल्टीपल सीरीज आने वाली हैं। सो स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग अस एंड कीप लविंग अस। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल आइकन। बाय बाय, टेक केयर।